Today we will study the great banyan. This is the lesson 3 of class 5th and it is about one of the biggest tree in our country. ये हमारे आसपास जितने भी पेड़ हमें नजर आते हैं उनमें सबसे बड़ा पेड़ होता है बनियान यानी बरगद का पेड़। तो चलें आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, जैसे ओल्ड मैन बहुत जेंटल होते हैं, सो आर बिग ट्रीज, ऐसे ही बड़े पेड़ भी होते हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है। द मोस्ट फ्रेंडली, वैसे ही बड़े पेड़ भी अच्छे होते हैं। द बनियान इज पॉसिबली द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज, इन सब में सबसे बड़ा और सबसे फ्रेंडलीस्ट जो पेड़ है वो है बनियान का, बनियान यानी बरगद का पेड़। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट सी मैनी बनियान ट्रीज इन आवर सिटीज नावर डेज, तो देखिए आजकल हमारे यहाँ बनियान ट्रीज बहुत अधिक दिखाई नहीं देते, हमें शहरों में दिखाई नहीं देंगे, और यानी जो बनियान ट्रीज हैं वो शहरों में हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते। दीज ट्रीज रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड themselves आउट, तो ये सिटीज़ में ज़्यादा क्यों दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटीज़ वेयर देयर इज बेयरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल, इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रोन बनियान ट्री। और जो ओवर क्राउडेड सिटीज़ होती है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, वैसे सिटी जहाँ पे लोगों के रहने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं हो पाती, वहाँ पे तो इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल होगा, यानी बहुत मुश्किल से दिखाई देगा बनियान ट्री। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रोन बनियान ट्री टेक्स अप एज मच एज अ 3-स्टोरीड बिल्डिंग, वो किस लिए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बनियान ट्री है जब पूरी तरह से बढ़ते हैं तो उन्हें कम से कम लगभग 3 मंजिल की इमारत के बराबर जगह घेरते हैं। ऑफ कोर्स स्पेसियस पार्क्स हैव बनियान ट्रीज एंड एवरी विलेज हैज एटलीस्ट वन, जो बड़े पार्क होते हैं वहाँ पर या हर गांव में एक बनियान ट्री ज़रूर होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। द बनियान ट्री हैज़ व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, दैट इज इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड टेक रूट्स अगेन एंड सेंड्स आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन। इस पैराग्राफ में बनियान ट्री का सबसे जो अट्रैक्शन है वो होती हैं एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होती हैं, अब इस पर बताया है, दैट इज़ इट्स ब्रांचेस ड्रॉप टू द ग्राउंड, इसकी शाखाएं होती हैं, डाली होती हैं जो ग्राउंड की तरह ज़मीन पे नीचे आती हैं, टेक रूट्स अगेन और फिर से जड़ बन जाती हैं, एंड सेंड्स आउट मोर ब्रांचेस, और फिर वहाँ से और दूसरी भी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये जो एरियल रूट्स होती हैं ये बनियान ट्रीज में पाए जाते हैं। Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. हाँ, और इसीलिए कुछ सालों के बाद में ये जो बनियान ट्री है ये इतना बड़ा रूप ले लेता है एक फॉरेस्ट की तरह खुद ही, और इतना बड़ा हो जाता है कि एक ही बार में हमें पूरा का पूरा बनियान ट्री हमें दिखाई नहीं देगा। अब आगे देखें। No wonder the banyan was chosen to stand for the hair of Lord Shiva. अब इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि बनियान ट्री को, बनियान को लॉर्ड शिवा, शिव भगवान का हेयर, शिव भगवान की जटा या उनके हेयर के रूप में माना जाता है। The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. और इसकी जो aerial roots होते हैं बनियान की वो पिलर का काम करते हैं
जैसे एक बड़ी बिल्डिंग होती है उसको सपोर्ट देने के लिए। द चिल्ड्रन यूज दिस रूट्स एज स्विंग एंड एंजॉय स्विंगिंग, और बच्चे इन रूट्स का यूज़ करके उसमें स्विंग करते हैं, झूलते हैं और एंजॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल, जैसे अगर आप पिलर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। एंड सो विल द बनियान, ऐसे ही बनियान के साथ में है कि बनियान की जो एरियल रूट हैं इनको अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, इन्हें नष्ट कर देंगे, तो ये भी गिर जाएगा। बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज नॉट वेरी डीपली रूटेड, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो मेन ट्रंक होता है यानी मुख्य ब्रांच जो होती है वो उसकी जड़ें बहुत गहराई तक के नहीं जाती हैं। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स, इसलिए इसको बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है इसकी रूट्स को सपोर्ट देने के लिए, इसकी जड़ों को सपोर्ट देने के लिए। द गार्डन्स एंड बिजी रूट साइड विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड, और गार्डन्स या रूट के साइड में ये नहीं होते क्योंकि इनको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि इनको दूसरे पेड़ों से डबल दुगनी जगह चाहिए होती है। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस, अदरवाइज यू माइट फाइंड अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। हाँ, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पेड़ को अपने हाउस के, अपने घर के पास में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद में, कुछ टाइम के बाद में आप देखेंगे कि आपकी बेडरूम की जो वॉल है उसमें से इसकी ब्रांच निकल रही है। इट इज़ ऑलवेज कूल डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बनियान ट्री, बनियान ट्री के नीचे हमेशा ठंडा, घना और बड़ा ही छायादार सा महसूस होता है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग, और ये एक ऐसा पेड़ होता है जो चढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस पेड़ पर बहुत ही आसानी से चढ़ा जा सकता है, और बच्चे तो कई बार इस पे आसानी से इसकी डाल पकड़ करके और फटाफट ऊपर चढ़ जाते हैं। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी, तो इसकी ब्रांचेस में आप बिना किसी परेशानी के चढ़ सकते हो। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ, और एक और अच्छी बात यह है कि इस पे जब आप चढ़ते हो तो इससे नीचे गिरने का खतरा भी नहीं रहता। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन, और ये बैठने के लिए सबसे कम्फर्टेबल ट्री भी होता है, बड़े आराम से आप इस पर बैठ सकते हो। वन कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू, इसकी जो चौड़ी डालियाँ होती हैं आप इस पर लेट जाओ और आराम से आप बुक पढ़ सकते हो और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाई द ब्रॉड शाइनिंग लीव, और वो किस लिए, क्योंकि आप जब वहाँ पर लेटे हुए होगे तो कोई भी आपको देख नहीं पाएगा और बड़ी बड़ी पत्तियों से आप ढके हुए रहेंगे। द बनियान इज ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल, बनियान बहुत ही हॉस्पिटेबल भी होता है। हॉस्पिटेबल क्या होता है, जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं और आप उनके साथ में जैसा बर्ताव करते हैं वो होती है हॉस्पिटेबिलिटी, और वो व्यवहार होता है हॉस्पिटेबल। अपार्ट फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स लाइक बर्ड्स, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। बॉयज़ और गर्ल्स के साथ साथ इनके अलावा ये कई सारे जो विजिटर्स हैं घूमने वाले यहाँ पे आते हैं, जैसे कि बर्ड्स हुए, स्क्विरल्स यानी गिलहरी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े एंड फ्लाइंग फॉक्सेस भी यहाँ पे आते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एक्चुअली लिव इन द ट्री, और दरअसल यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स, जीव जंतु रहते हैं इस पेड़ में। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ
टीनेंट्स, तो यहाँ पे जो रहते हैं उनको अंधेरे में, क्योंकि ये बहुत डार्क होता है, शेडी होता है और बहुत ही कूल होता है, इसलिए कई सारे जो एनिमल्स या क्रिएचर्स यहाँ पे आकर के ठहरते हैं, जिनको अंधेरा डार्क ऐसा पसंद हो, और वहाँ पे वो रह करके किराएदार की तरह यहाँ वो रहते हैं। द बनियान इज रेदर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर। और ये जो बनियान है ये एक होटल की तरह होता है, जहाँ पर अलग अलग ढेर सारी जो फैमिलीज है बिना किसी को सताए, बिना किसी को परेशान किए आराम से रहते हैं। वाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट, दे आर विजिटेड बाई द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई विच लीव्स हर एग इन देयर केयर। तो यहाँ पर जो एक जब इसकी शुरुआत में इनकी जब पत्तियाँ निकलती, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं पिंक कलर की और बड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो वहाँ पे एक मैप बटरफ्लाई है वो यहाँ पे विजिट करती है और अपने एग्स इसमें दे देती है। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्विरल कम सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन देम। और जो नन्ही गिलहरी आती हैं वो यहाँ पर किस चीज़ की तलाश में, स्टिकी हनी की तलाश में, शहद की तलाश में आती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जो मधुमक्खियाँ आती हैं, हनी बीज जो होती हैं उनके यहाँ पे शहद भी मिल जाता है। सो द फ्रेंडली बनियान ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर्स। तो इस तरह से जो बनियान है ये हर विजिटर्स जो भी यहाँ पर आता है सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। Everybody carries memories of the past. हर किसी के पास्ट में इसकी यादें जरूर होंगी, पिछले जो टाइम है उसको जब आप याद कर रहे हो तो कुछ ना कुछ यादें इससे आपकी लाइफ में जरूर घटी होंगी। एंड इन इट देर इज़ अ काइंड ऑफ फेथ फॉर द ओल्ड बनियान। और इससे ओल्ड बनियान को लेकर के एक कोई अलग टाइप का एक फेथ भी होता है। इन फैक्ट और हाँ, इट इज़ दीज इम्प्रिंट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट मेक द बनियान इमोर्टल। और यही वजह है कि जो हमारे माइंड में, लोगों की यादों में, लोगों के दिमाग में इसकी ऐसी तस्वीर बनी हुई है जो इसे इमोर्टल बना देता है। इमोर्टल यानी अमर, जिसे दैट विच के नॉट बी डिस्ट्रॉयड और दैट विच के नॉट बी मर्टायर, जिसे मारा नहीं जा सके, जो अमर है। तो उसकी जो यादें हैं वो हमेशा जीवित रहती, इसलिए बनियान ट्री को इमोर्टल बना देती हैं। इवन देर इज अ पॉपुलर बिलीफ, एक पॉपुलर बिलीफ है विच हैज इट्स रूट्स इन मिथोलॉजी, तो पुराणों में इसकी जड़ें हैं, दैट बनियान इज अ गॉड। बनियान क्या है, एक गॉड है, एक कोई भगवान है। And people worship it, और लोग इसकी पूजा करते हैं। That is why the banyan has always been regarded as a sacred and surviving member of the society and not just a tree. और इसीलिए बनियान को हमेशा एक पवित्र और surviving member माना जाता है, जो हमारी society में, और इसलिए इसकी पूजा करते हैं। ये केवल एक पेड़ नहीं है बल्कि इसको गॉड माना जाता है, इसे कोई देवता भगवान माना जाता है और उसकी पूजा करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा लेसन 3, द ग्रेट बनियान। आपको ये लेसन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम और नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू।